कराची के नेशनल स्टेडियम में भी बारिश की इनिंग्स शुरू हुई, विकेट को ढापा गया है। शोएब जट, बताइएगा इस वक्त जिस तरह अभी आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि पहले तेज बारिश हो रही थी, अब कुछ हल्की बारिश हो रही है, मैच का बताइएगा, क्या मैच हो पाएगा? नजर आ रहा होगा बाहर नेशनल स्टेडियम में जिस तरीके से बादल बरस रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आज का मैच किसी तौर पर भी वक्त पर शुरू नहीं होगा। सिर्फ ये मैच वक्त पर शुरू नहीं होगा बल्कि इसका ओवर जो है वो कम हो जाएंगे। नेशनल स्टेडियम का ये एरिया आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से वहां पर जो है वो कवर से ढांप दिया गया है। नेशनल स्टेडियम का मैक्सिमम एरिया जो ग्राउंड का है वो कवर से ढांप दिया गया है। आउटफील्ड जो है वो गीली हो रही है, पानी जो है वो जगह जगह स्पॉट्स की सूरत में पड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिससे लग रहा है कि जिस रफ्तार में ये सयाह बादल बरस रहे हैं, अगर 20 से 25 मिनट ये बादल इसी तरीके से बरसते रहे तो आज का मैच यकीनी तौर पे वॉश आउट हो सकता है। लेकिन अगर ग्राउंड स्टाफ ने बहुत ज्यादा जान मारी तो भी ये मैच जो है लग रहा है कि वनडे का मैच जो है वो T20 में कहीं कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि कल 20 मिनट बारिश हुई थी तो उसके बाद 3 से 3.5 घंटे लग गए थे ग्राउंड की जो आउटफील्ड है उसको बेहतर करने में। लेकिन उसके जो आज जिस रफ्तार से बारिश बरस रही है, ये कहना जो है वो मुश्किल है कि क्या आज का मैच हो सकेगा या आज का मैच बारिश की नजर हो जाएगा। तमाशाई आए जरूर हैं लेकिन शायद उनको लाइव क्रिकेट का एक्शन देखने को ना मिले। और अगर ग्राउंड स्टाफ ने जो है वो फुर्ती दिखाई, बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि यहाँ पे सुपर स्टॉपर एक ही है ग्राउंड स्टाफ है, लेकिन जिस तरीके से आउटफील्ड है वो बहुत ज्यादा वेट हो चुकी है और मुसलसल हो रही है, इस वजह से ये कहना कबल वक्त होगा कि क्या आज का मैच हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। बिल्कुल एक सवालिया निशान है कि मैच होगा या नहीं होगा, ओवर्स अब कितने होंगे, क्योंकि बारिश का सिलसिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है, कहीं तेज़ बारिश हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है, मैच होगा नहीं। लेकिन शायकीन क्रिकेट, उनको मैच का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और यही वजह है कि उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।